सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, सभी को आज के दिन हमें अपनी बहनों के लिए संकल्प लेना है कि वो समाज में कैसे सुरक्षित रह सके। इसके लिए हमें उनके लिए अच्छा माहौल बनाना होगा। आज जहां हमारी बहनें रक्षा सूत्र बांध रही हैं, उनके लिए आज संकल्प लेना चाहिए कि वो कैसे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और उनको कैसे सम्मान दिलाया जा सके। मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी त्योहार आते हैं, कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मैं समझता हूँ दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहाँ पर इस त्योहार को मनाया जाता है। और आज के दिन यही संकल्प लें कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सुरक्षित रहें और उनकी हर तरीके से हम लोग रक्षा कर सकें। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे खुशी है कि इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं और आज मुंबई में भी बैठक है। पूरे देश को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इसलिए देश की राजनीति में यूपी की बड़ी भूमिका है। जनता को जिन्होंने धोखा दिया उनको जनता बाहर करेगी। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। बीजेपी ने पूरे देश को धोखा देने का काम किया। आज रक्षाबंधन पर उन्हें याद आया, इसलिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए। अगर अन्य चीजों पर महंगाई कम हो जाती तो जनता को राहत मिल जाती। आज मीटिंग भी है, मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि यह गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद के तो लायक ही नहीं थे, लेकिन अब जिस पद पर बैठे हैं उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इतना बीमार कर दिया कि अगले 10 साल तक अगर कोई यूपी में स्वास्थ्य विभाग को सही करना चाहेगा तो वो सही नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने कहीं भी जिला अस्पताल बनवाए हैं तो बताएं। ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करें। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब जाए उसको इलाज मिले, दवाई मिले और समय पर उसका इलाज हो जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की और मुख्यमंत्री की है सबसे बड़ी। लेकिन वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को उन्होंने बीमार कर दिया और इतना बीमार कर दिया है कि अगले 10 साल भी कोई अगर इस विभाग को ठीक करना चाहेगा तो विभाग को ठीक नहीं कर पाएगा। घोसी में हो रहे उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने कहा, इतना ही नहीं, घोसी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी के लोग इधर उधर की बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग घोसी का चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी का सफाया करेंगे। बीजेपी के जितने भी मंत्री घोसी जा रहे हैं वो मुंह लटकाकर वापस आ रहे हैं।